तो साजिद सिद्दीकी भाई ने आज हमें कमेंट किया कि 1 वीक से ज़्यादा हो गया पर गूगल न्यूज़ मेरे सर्च कंसोल में शो नहीं कर रहा है, क्या करें इसके लिए। तो आपका भी सेम क्वेश्चन है और आप इसका आंसर जानना चाहते हो, अपने गूगल सर्च कंसोल अकाउंट के अंदर ये गूगल न्यूज़ वाला ऑप्शन इनेबल करना चाहते हो, तो आपको सिर्फ एक स्टेप को फॉलो करना है जो कि आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। उस स्टेप को आप जैसे ही फॉलो करोगे आपके गूगल सर्च कंसोल अकाउंट के अंदर ये जो गूगल न्यूज़ वाला ऑप्शन है वो पूरा सेक्शन आ ही जाएगा, आपको सिर्फ एक स्टेप को फॉलो करना है। तो जानना चाहते हो उस स्टेप के बारे में तो वीडियो को एंड तक देखना, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गूगल न्यूज़ वाले सेक्शन को ऑन करने के लिए सबसे पहला स्टेप तो आपको ये करना है कि आपको गूगल न्यूज़ का अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगर आपके पास गूगल न्यूज़ का अप्रूवल नहीं है तो आपके सर्च कंसोल अकाउंट के अंदर ये वाला ऑप्शन नहीं आ सकता। तो सबसे पहले आप गूगल न्यूज़ का अप्रूवल ले लीजिए। अगर आपकी साइट वर्डप्रेस के अंदर है तो आप ये वीडियो देख सकते हो, और आपकी साइट ब्लॉगर के ऊपर है तो आप ये वीडियो जो है वो देख सकते हो। ठीक है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। एंड गूगल न्यूज़ का अप्रूवल नहीं है तो ये ऑप्शन आपके अंदर इनेबल नहीं हो सकता। तो सबसे पहले गूगल न्यूज़ का अप्रूवल जो है वो आप ले लीजिए। और हाँ, आपका भी कोई सवाल है, आपका भी कोई प्रॉब्लम आ रही है ब्लॉगिंग के जर्नी में या फिर यूट्यूब के अंदर, तो साजिद सिद्दीकी जी ने जैसे हमें कमेंट किया था वैसे भी आप इस वीडियो के अंदर कमेंट कर सकते हो। आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका जो क्वेश्चन का आंसर है वो मिल जाएगा, या फिर कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, एंड आपको शाउट आउट भी दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए अभी आगे का स्टेप जो है वो मैं आपको बता दूँ। तो सबसे पहले आपको गूगल न्यूज़ के अप्रूवल लेना है। गूगल न्यूज़ के अप्रूवल आपको मिल गए, ये कैसे पता चलेगा? यहाँ पे देखो, आप गूगल पब्लिशर सेंटर वाली साइट के ऊपर आ जाओगे, फिर आपको यहाँ पे ये लाइव लिखा हुआ आ गया, मतलब कि आपको गूगल न्यूज़ के अप्रूवल जो है वो मिल गया। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको एक बार क्लिक कर देना है। ठीक है, गूगल न्यूज़ के अप्रूवल मिल जाएगा, उसके बाद आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है गूगल न्यूज़, एंड आपको वहाँ पे एक बार जो है वो क्लिक कर देना। वहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे फिर आपको यहाँ पे एडिट जो लिखा हुआ है वहाँ पे एक बार क्लिक कर देना है। एडिट के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस जो है वो ओपन हो जाएगा। फिर आपको आ जाना है रिव्यू एंड पब्लिश वाले सेक्शन के अंदर। फिर यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है टेस्टिंग योर पब्लिकेशन, आपको यहाँ पे एक लिंक दिखाई दे रही है, इस लिंक के ऊपर आपको एक बार क्लिक कर देना है। ठीक है, वहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आप एक न्यू विंडो के अंदर ओपन हो जाएंगे। आप यहाँ देख सकते हो न्यू विंडो हमारे सामने ओपन हो जाएगी, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका जो पब्लिकेशन होगा वो आपके सामने जो है वो आ जाएगा। ठीक है, जितनी भी पोस्ट आपने डाली होगी वो यहाँ पे आपको शो कर रही होगी। फिर आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो पहला ये जो लिंक है, ठीक है, हम लोग यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आप गूगल न्यूज़ के जरिए अपनी वेबसाइट के अंदर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, कुछ इस तरह से। आप यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले गूगल न्यूज़ के अंदर जाएगा एंड रिडायरेक्ट करेगा आपको अपनी वेबसाइट की उस पोस्ट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी हमारी वेबसाइट की पोस्ट ओपन हो रही है, हम उसे लोड हो जाने देंगे। तो देखो हमारी वेबसाइट की जो पोस्ट थी वो अभी लोड हो चुकी है। ठीक है, तो देखो ये वेबसाइट की पोस्ट लोड हो चुकी है, आपको कुछ इसी तरह से करना है। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे एक बार इस वेबसाइट की पोस्ट को ओपन किया, फिर आपको यहाँ से फिर से जाना है। ठीक है, यहाँ पे आओ और ये जो लिंक है यहाँ पे आप फिर से एक बार क्लिक करो और इस पोस्ट को भी एक बार आप देख लो। वैसे करके आप जैसे इस पोस्ट को देखोगे एंड आपका ये जो गूगल न्यूज़ वाला सेक्शन है वो आपके सर्च कंसोल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको इंस्टेंटली नहीं आएगा ये वाला सेक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देखोगे सर्च रिजल्ट्स के अंदर आप जाओगे एंड आप देखोगे कि ये अपडेट कब हुआ है लास्ट टाइम वो आपका सर्च कंसोल। देखो 26 घंटे पहले अपडेट हुआ, अब फिर से ये अपडेट होगा ना आपका सर्च कंसोल अकाउंट, तो आपका ये जो गूगल न्यूज़ वाला सेक्शन है वो आपके सर्च कंसोल अकाउंट के अंदर आ गया होगा। ठीक है, तो बस एक सिंपल स्टेप को आपको फॉलो करना है, आपका सर्च कंसोल के अंदर ये गूगल न्यूज़ वाला सेक्शन जो है वो आ जाएगा। ठीक है, और आपको अभी भी पता नहीं चला है वो कौन सा स्टेप था, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो अभी भी आपको पता नहीं चला कौन सा स्टेप, तो हमको फिर से मैं बता दूँ, आपको क्या करना है, आपको आ जाना है अपने पब्लिकेशन यानी कि गूगल न्यूज़ वाले सेक्शन के अंदर, एंड आपको आ जाना है यहाँ पे रिव्यू एंड पब्लिश वाले सेक्शन के अंदर। उसके बाद ये जो लिंक है टेस्टिंग और पब्लिकेशन वाली, आपको यहाँ पे एक बार क्लिक करना है। वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने है ना आपका पब्लिकेशन आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो पब्लिकेशन आ जाने के बाद आपको ये दो से तीन पोस्ट जो है आपको यहाँ से एक बार क्लिक करके उस पोस्ट को एक बार ओपन कर लेना है। ठीक है, पोस्ट को आप जैसे ही ओपन करोगे एंड बस आपका काम जो है वो हो जाएगा। जैसे ही आपका ये गूगल सर्च कंसोल अकाउंट जो है वो अपडेट होगा, आपके गूगल सर्च कंसोल अकाउंट के अंदर गूगल न्यूज़ वाला ऑप्शन जो है वो आ जाएगा। बस ये सिंपल स्टेप को आपको फॉलो करोगे ना आपके अंदर जो वो ऑप्शन है वो आ जाएगा बस। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना है। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आपका भी कोई क्वेश्चन है या फिर कोई आपको सवाल पूछना है या फिर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हो इस वीडियो के अंदर, मैं आपका उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। ठीक है, तो बस आज ये वीडियो बस इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद। 5 6 7 8